हेलो। हेलो। हाँ साहब, कौन बोल रहे हैं? हर हर महादेव। मैं देवेंद्र शुक्ला बोल रहा हूँ, सरैया घाट महाराज जी। अच्छा, शुक्ला ये साहब, हर हर खेलेश्वर है, महादेव। सिराजपुर कानपुर नगर। अच्छा जी, हाँ, उत्तर प्रदेश से हम बोल रहे हैं सर। कहाँ पे हैं अभी आप? गंगा घाट के पास हैं? हाँ, गंगा जी के बिल्कुल तट पे ये आश्रम बना हुआ है, और बगल में जो है नागेश्वर, कालेश्वर, दूधेश्वर, तीन मंदिर बने हुए हैं। अच्छा अच्छा देवी जी का मनसा मैया है। अच्छा अक्सर हम मनसा जिस स्थान पे रहते हैं, जी। ये एक समाधि स्थल है संत की, श्री तारानाथ स्वामी। अच्छा और जी ये नाथ संप्रदाय गोरखपुर से थे, जी और इनको वाणी विलास भी कहते हैं। एक बार जैसे इस समय शक्तिपुर पंडोखर सरकार में विवाद चल रहा है, इसी तरीके से 350 साल पहले काशी नरेश ने भी ये किया था कि कोई भी विद्वान हमारे समान विश्व में नहीं है। जी तब हमारे स्वामी जी श्री तारानाथ स्वामी गए थे वहां पर शास्त्रार्थ करने, तो इन्होंने ये कहा था कि आपकी सभा की और किसी की बात नहीं मानी जाएगी। जो व्यक्ति खड़ाओं से गंगा वो जीतेगा, आपकी और आवाज जो आपकी आवाज शास्त्रार्थ में बात सही होगी। आपकी आवाज कटी है। आप क्या बोले कि आपकी बात, सभा की बात नहीं मानी जाएगी? जो व्यक्ति, हाँ, देवता जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। नहीं नहीं आप खड़ाऊ खड़ाऊ करके क्या बोल रहे थे? वहां से वापस बोलिए, आपकी आवाज खड़ाऊ। कट भगवान ने हमारे कहा, गुरुदेव भगवान ने, जी जो व्यक्ति खड़ाऊ से गंगा जी में चलेगा 1 किलोमीटर जी अपने तपबल से, जी वो श्रेष्ठ होगा। जी तो हमारे स्वामी जी चले गए, और वो थोड़ी दूर तक गए, गांठों तक चले गए, तो वापस आ गए। जी और आसन इसके क्या बाद ऊपर में आसन? चालू हुआ जी, बराबर के आसन लगे जी, सभा सब बैठ गई जी, शास्त्रार्थ चालू हुआ। तो हर वार्ता के बाद जो निर्णय था वो देवताओं की तरफ से हुआ, और भगवान का, हमारे गुरुदेव जी का आसन 1 फीट ऊपर चला गया अपने आप, क्योंकि शर्त थी कि देवता निर्णय करेंगे, जिसकी बात सत्य होगी उसका आसन अपने आप ऊपर उठेगा। जी जब 21 फीट ऊपर आसन चला गया श्री तारानाथ स्वामी जी महाराज का, तब वो राजा शरणागत हुए और माफी मांगी कि नहीं, इस विश्व में एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बड़ा संदेश आपने दे दिया, इस विश्व में एक से एक बड़े विद्वान हैं, ये बड़ा संदेश है आपका। लेकिन सर, इस समय थोड़ी सी जो पंडोखर सरकार के प्रति या बागेश्वर के प्रति या शंकराचार्यों के प्रति जिस प्रकार के, जिस अभद्र भाषा का एक चैलेंज रूप से कर रहे हैं, भाई अगर कोई महासभा बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, कीजिए, सब महापुरुष हैं प्रमाणित, तो अच्छी बात होती। और अगर इनके पास शक्ति है तो उस शक्ति से जन का कल्याण कर दें। कोई व्यक्ति वहां जाए ना, जब रोगी शोगी रहेगा नहीं तो जाएगा नहीं। सरकार से शक्ति पुत्र अनुरोध करके और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके ऐसा सरकारों को कर दें कि दारू के ठेके अप्रैल में उठा न करें, तो कोई पिएगा ही नहीं। सरकारें तो चरस अफीम के ठेके दे रही है पैसे ले लेके, तो सरकार पे दबाव बनाए ना कि पब्लिक पर। और दूसरी चीज और है कि जिस तरीके के इनके शिष्य भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, कोई जूता चप्पल चला रहा है, कोई प्रतिमाएं फूंक रहा है, उनके पुतले फूंक रहा है, कोई मुरैठा बांध करके ताल ठोंक रहा कि आ जाओ इस जगह से तोड़, ये कोई भाषा नहीं होती है। हाँ, पंडोखर सरकार दूसरे की मन की बात जान करके और अपने तप से उसको कुछ दिशा निर्देश कर रहे हैं और किसी के घर निमंत्रण दे नहीं रहे हैं, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? दूसरी चीज सर, सुन रहे बात हमारी? जी, जी 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 हम ये चाहते हैं कि जहाँ तलवार काम आती वहाँ तलवार आएगी, जहाँ सुई काम आनी है सुई आएगी। तो सभी धर्म क्षेत्र में अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो एक व्यक्तिगत नोटिस दें, ज्यादा दिक्कत है तो कोर्ट से नोटिस दे दें। अब इन्होंने कह दिया इस विश्व में कोई भी अगर हो तो सब एक पलड़े में बैठ जाएंगे, हमारा पलड़ा नीचे रहेगा। ये तो बड़ी अहंकार और शिशुपाल जैसी ही भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। और सर, हमारे मन में तो ये आता है जब कोई इनको न मिले तो ये हमको बुला ले और हमसे शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन बात वही होगी कि देवता लोग इसका निर्णय करेंगे, जिसका आसन ऊपर जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। आज के युग में देवता निर्णय कर पाएंगे? देवता कर लेते हैं? हाँ, हमारे में निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि हमको जो है 16 तारीख को इस तरीके का निर्देश गुरु जी से मिल चुका है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं।
ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्योंकि ये एक एक भाई आप 16 साल से गंगा जी के तट पर निष्काम रह रहे हैं, किसी मंदिर में बैठ के पैसा नहीं बीनते, न एक रुपए का कोई मेरा यजमान है। हमारा बच्चा पंडित आनंद शुक्ला भगवताचार्य वहाँ रहता है रात दिन, और जो भागवत पुराण प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शादी काम काज मेहनत मजदूरी से हम अपना जीवन यापन करते हैं, और इन लावारिस मंदिरों में शाम को आरती करते हैं, दिन में कौन आता है कौन उठाता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जी जी, तो हमारे पास ऐसा है, कई लोग आए रोए गाए जिनको डॉक्टरों ने किया था, हमने ऐसे सुपारी लौंग दे दिया, वो सब ठीक हो जाते हैं, ये सब प्रभु की कृपा है, उसमें हम अहंकार करें तो गलत है। बाकी सर हमारा ये मानना है कि परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य विभीषण ये सब लोग अभी जीवित हैं इसी पृथ्वी पर जी, है ये शंकराचार्य न जाने कितने संत कहाँ कहाँ किस देश की सेवा कर रहे हैं, और सभी को ललकारना सभी को ये करना केवल अश्रेष्ठ है। अरे भैया इनको अगर करना है तो ये जो जातिवाद संविधान में कहीं नहीं लिखा है भारतवर्ष में, तो ये पिछड़े वर्ग को है जो गरीब हो, तो ये संविधान ये जातिवाद का ही समाप्त करावे ना जी। कहते हैं मन स्मृति के हम जा रहे हैं सब जाति वर्ण व्यवस्था समाप्त करेंगे, तो वर्ण व्यवस्था समाप्त करावे ना सरकार से कानून लगा के, सरकार से कानून लगा के ठेके बंद करा दें सरकारी, और सभी को सुरक्षित कर दें। इनके पास अनंत है, हनुमंत के पास तो 8 सिद्धि 9 सिद्धि थी, इनके पास अनंत है गिन नहीं पाओगे। किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे समझ में नहीं आता है, और अगर है तो संत का कार्य है जनहित में परहित के कारण करते रहो, लेकिन किसी के व्यक्तिगत नाम लेके द्वेष लेके न करो, भगवान से प्रार्थना करो खुद इन लोगों को ठीक कर देंगे जो लोग हैं। जी जी, सुना सर आपने? जी 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 जी, हाँ तो हम ये चाहते हैं थोड़ा सा शक्ति पुत्र से ये अनुरोध हम विशेष करेंगे, पंडोखर सरकार जो कह रहे हैं वो तो प्रति उत्तर में कह रहे हैं, आवेश आएगा किसी के प्रति बोला जाएगा तो ये तो इसके पात्र नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से ब्रह्म समाज का संतों का और जगत गुरुओं का शंकराचार्यों का जिस तरीके से चैलेंज एक तरफा कर रहे हैं ये गंदी चीज है, है ना सर? जी 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 जी, हाँ। और अपने शिष्यों को विशेष रखें, क्योंकि शिष्य जिस तरीके के कृत्य करेंगे जूता चप्पल इससे उसके गुरु की और उसके माता पिता की भी झलक लगती है कि किस संस्कारों में पला हुआ शिष्य है। हमको बड़ी विनम्रता ये लग रही है जिस तरीके का ऐसा हुआ, ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। जी 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 जी, ठीक है सर। हर आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो कितने वर्ष पहले ब्रह्मलीन हो गए थे? ये ब्रह्मलीन हो गए थे करीब 300 वर्ष पूर्व। 300 वर्ष पहले, हाँ। इनको शिव जी के दर्शन हुए थे, और नागेश्वर कालेश्वर इन्हीं के मंदिर हैं, दूधेश्वर तीन। जी 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 जी, और शंकर जी की पुत्री का भी एक मंदिर है, उनको वो कहते हैं मनसा माता। अच्छा, मनसा माता का मंदिर आपके आपके इधर है? हाँ, हमारे घाट पे है। जी 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 जी, ये कानपुर से पड़ता है करीब 30 किलोमीटर, खेरेश्वर है सिद्ध स्थान, वहीं से गंगा जी के तट पर बिल्कुल हम रहते हैं। शुक्ला जी, आप जिस पवित्र भूमि में रहते हैं, भगवान शिव के मंदिर, माता और ये सारे संस्कार हमारे पुत्र में हमको बगल के शोभन सरकार, एक महात्मा थे अब तो ब्रह्मलीन हो गए 2 साल पहले, उन्हीं की कृपा से ही सब चल रहा है। जी 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 जी, हाँ। वो भी दूसरे की मन की बात जान लेते थे, और बहुत शक्तियां थी, किसी से रुपया पैसा चढ़ाना दीवालों में लिखा था सब बंद, लेकिन जिस समय वो भोजन करते थे हजारों लोगों को भोजन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी शक्ति पुत्र की तरीके से न गाया न अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और शांति से रहे। जी 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 जी, आपने जिस अंदाज में अपनी बात कही है ऐसा लगा है आप दिल की अनंत गहराई से बोले हैं, और आप मन में जो भावना आई है वो सनातन संस्कृति के रूप में आई है। भाई जब गुरुजन समाज संत समाज, देखिए हम तो बोलते हैं संत समाज की जय, और हमारे यहाँ जो भी भक्त 150 हैं हमेशा आरती के बाद यही कहते हैं संत समाज की जय, गुरुजन समाज की जय, ब्रह्म समाज की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवान की जय। और ये भक्तों को वो सनातनियों को जो पदासीन शंकराचार्य हैं सभी को लपेटे में ले रहे हैं, कर धर समाज के लिए कुछ नहीं रहे, इनके शिष्य पुतला फूंक रहे हैं, जूता चप्पल चला रहे हैं, वाकई इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में,
आखिरकार आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर सब जा रहे हैं पंडोखर या बागेश्वर धाम, विश्व में उन्होंने नाम कर दिया, अमेरिका के सर्टिफिकेट वहां से भी ले आए, उनको भी पागल बनाया। ऐसे दिव्य महापुरुषों की ये आलोचना कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है शक्ति पुत्र को, हम क्या बताएं। चलिए आपने अपनी बात रखी है और मैं, आप जिस भूमि में रहते हैं जहां माता मनसा का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, जी, जो 300 वर्ष पहले ब्रह्मलीन हुए संत जी का है, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से मेरा प्रणाम वहां तक पहुंचे और आशीर्वाद मिले, कोई भूल चूक हो तो माँ के कल्याण हो, जी विश्व का कल्याण हो।